ले हो ए बालीजी ले ले लो पत्रा गाय के दे दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं प्राज सिंह। आपके जड़ों से जुड़ाव रहना चाहिए। जी हाँ, जड़ों से जुड़ाव ही सच्चाई है। अपने घरों में हरा भरा रखना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की सरकार पहले थी और वही अब एनडीए की सरकार बन गई है, और वही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करती है वीडियो, और वीडियो में वो मूली उखाड़ते हुए बागवानी में अपनी मूली उखाड़ते हुए नजर आती है और एक्स अकाउंट पे लिखती भी है। पहले उस वीडियो को देखिए। ले हो ए बाली जी ले ले लो पत्रा गाय के दे दो। ले ले लो दूध चक्कर को ले ले से जुड़ाव ही जीवन की सच्चाई और गहराई से वास्तविक परिचय कराता है। जड़ों से जुड़े रहना ही बंधन नहीं, असल जिंदगी है, मुक्ति व युक्ति है। जड़ से जुड़े पेड़ हमेशा पल्लवित, पुष्पित, छायादार, फलदार व गुलजार तथा जड़ से जुड़े इंसान जानकर जानदार, शानदार, दिलदार, हकदार और वजनदार होते हैं। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो डालती है और जड़ से जुड़े रहने की बात कहती है, क्योंकि प्राकृतिक जिस तरीके की बात करें तो इन दिनों काफी प्रदूषण है, काफी फैल रही है। वहीं आप हरा भरा रखिए, अपने आसपास हरा भरा रखिए। वहीं बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार टूटने के बाद महागठबंधन के तमाम लोग एक्स अकाउंट पे लगातार पोस्ट करती है। वही पिछले कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव भी सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो डालते हैं और गौ माता की सेवा करते हुए नजर आते हैं, और आज उनकी माँ राबड़ी देवी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी आज एक्स अकाउंट पे वीडियो डालती है और लिखती है जड़ से जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इन दिनों जो बाहर की जो सब्जियां हैं वो खाते हैं और लोग बीमार पड़ते हैं, असल जिंदगी में अगर आप खुद से खेती करें और खुद से बिना खाद्य पदार्थ का अगर उपजाए और सब्जी खाए वो काफी सेहतमंद के लिए फायदा होगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।